ये जो सुरेन लाठर बीजेपी और विनेश फोगाट के बीच टक्कर की जो बात चल रही है, उसमें अगर इस बाज़ार में ऐसे चलते हुए लोगों से पूछ रहे हैं तो कैंडिड ज़्यादा लोग बाज़ार में किसकी बात कर रहे हैं अचानक? अब देखो यहाँ पांच लोग हैं, आ जाओ पांच लोग यहाँ, देखिए चार पांच लोग हैं, आप आइए जरा, एक सवाल पूछेंगे यहाँ, यहीं पूछ लेते हैं। हाँ, खाली ये पूछ रहा हूँ किसको यहाँ से जिता के भेजना चाह रहे हो इस बार? विनेश फोगाट। क्यों? हमारी खिलाड़ी चाहती है, लेडीज है। तो यहाँ टक्कर किससे है विनेश फोगाट की? टक्कर तो तीन गुआ की चल रही है। तीन में आप किसको भेजना चाहते हो? विनेश फोगाट। अब आप गिनो, आपको अंदाज किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? एक ही है जी यहाँ तो, कांग्रेस। टक्कर किससे है विनेश फोगाट की? टक्कर है जी बीजेपी से। बीजेपी और सुरेन लाठर? सुरेंद्र लाठर की तो इतनी वोटे नहीं है। और जेजेपी? जेजेपी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वार्ड बंद हो गया, सवाल ही नहीं उठता। जलेबी वाले भाई साहब, ये एक मिनट आ जाओ, युवा आदमी हो हैं? ये है ना, बाहर से हो? चलो कोई बात नहीं, तो हम लोकल लोगों से बात करते हैं, हो सकता है कस्टमर होगा उनका। देख के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्री कृष्ण। यही के हो? जुलाना के? बूढ़ा खेड़ा गांव के जी। आपको? अरे बाबा, बूढ़ा खेड़ा गांव तो सुरेंद्र राठौर का गांव है। हाँ जी, वहाँ गया था अभी, गांव में लोग मिले नहीं मुझे दोपहरिया में। अच्छा, तो इस बार यहाँ से किसको जिताना चाहते हो? हम सुरेंद्र राठौर को जी। उनके गाँव के हो इसलिए? हाँ जी। और विनेश फोगाट? दिनेश फोगाट का मानने एक बात है जी, हमारा तो गांव का उठे है ना, गांव का है। हाँ। उस गांव के हो इसलिए। हाँ। देखो गांव का फैक्टर भी है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्ण कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हो? जवाना कला। तो यहाँ क्या लग रहा है, टक्कर किसमें इस बार? टक्कर किससे की नहीं, फोगाट एक तरफा जीत है फोगाट की। अच्छा, हाँ जी। क्यों भाई कह रहे हैं सुरेंद्र लाठर को जाट के वोट का? कुछ नहीं है, सुरेंद्र लाठर कम में नहीं है ना, जीरो लेवल पे है सारे, बीजेपी भी गल जीरो लेवल पे है। वो आप एक तरफा विनेश फोगाट है। तो आप कार्यकर्ता हो कांग्रेस के? कुछ नहीं कार्यकर्ता, मैं एक आम आदमी नागरिक हूँ। चलो, तो आपको क्या लग रहा है, गांव में लोग क्या करें, माहौल क्या लग रहा है इधर? माहौल ठीक है जी। किसका? सुरेंद्र लाठर का जी। लाठर के गांव के हैं। चलिए आइए, बहुत गर्मी है भाई, ये तीन चार लोग देखिए यहाँ भी हैं। पूछ सकता हूँ कुछ आपसे? क्या शुभ नाम है आपका? पवन कुमार। कौन सी दुकान है आपकी? सेलेक्शन टेलर। योगेंद्र गारमेंट्स? सेलेक्शन टेलर्स। और आपका? रोहित मैचिंग सेंटर। तो इस बार यहाँ क्या लग रहा है जुलाना में? जुलाना में टक्कर है दोनों की। किसकी किसकी? उसकी बीजेपी की और कांग्रेस की। अच्छा, और जेजेपी और लोकदल? जेजेपी लोकदल भी वो कोई मुकाबले में नहीं है, वो नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। तो टक्कर में कौन अभी आगे चल रहा है? टक्कर में दोनों आई टक्कर है जी। आप लोग किसको जिता के भेजना चाहते हो? तो जी उसमें जिताएंगे, जो काम करेगा यहाँ। अरे तो अब तो चुनाव में 8-10 दिन बच गए। हाँ, फिर क्या बात होगी, 8 दिन बच गए। चलो, आपका क्या नाम है? हेलो। चलो बात करो, आइए आइए आइए, बहुत गर्मी है, गर्मी से ही परेशान है। ये दुकान आपकी है भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? विपिन जंदली। हम लोग दिल्ली से आए हैं, ऐसे थोड़ा रायशुमारी करते रहते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ जुलाना में इस बार? कांग्रेस का ही रहेगा जी। कांग्रेस का ही है? हाँ जी। और टक्कर किसमें लग रहा है जी? टक्कर किसमें लग रहा है? टक्कर का कौन है जी यहाँ पर? तो कांग्रेस है। आप भी वोटर हो? हाँ जी। आपके फादर हैं? हाँ जी। तो आप भी ऐसे ही सोच रहे हो? हाँ जी। तो आप युवा हो, यूथ हो, क्या मुद्दा है चुनाव का आपके लिए? पापा आपके बिजनेस करते हैं, अच्छी खासी शॉप है लग रहा है, तो क्या आपका मुद्दा है चुनाव का? मुद्दा है तो यही है जो जुलाना का विकास नहीं हो रहा जी। हाँ। काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आप खाओ सर आराम से। ये दुकान आपकी है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश है जी। दिनेश, क्या है, किस चीज़ की दुकान है? रेडीमेड की है जी। रेडीमेड के। तो दिनेश जी, जुलाना से इस बार किसको भेजना चाह रहे हो आप? देखो जी, कांग्रेस से वैसे तो अभी कोई पैदा नहीं पड़ता वैसे जी। आप कांग्रेस को भेजना चाह रहे? हाँ जी। क्यों? वैसे जी। चलिए, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया कि स्थिति कैसे जुलाना में बदली है। और वो इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि
15 साल से जुलाना में कांग्रेस नहीं जीती है। 2005 और शायद 99 शेर सिंह आईजी थे, वो जीते थे कांग्रेस से दो बार, और उसके पहले लंबा गैप, और उसके बाद से लोक दल ने लगातार जीती सीट, और पिछले बार जेजेपी, क्योंकि लोक दल का पूरा वोट जेजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। इसलिए एक तरह से विनेश को ये टफ सीट मिली है। टफ इसलिए कि 15 साल में पहली बार कांग्रेस की जीत की बात लोग कर रहे हैं, तो वो टफ सीट पर क्या क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरा। तो ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है जुलाना में इस बार? कांग्रेस का जोर है जी। कांग्रेस का जोर है? बिल्कुल। तो कांग्रेस की टक्कर किससे है? बीजेपी वाले से। बीजेपी से? सुरेन लाठर नहीं है कहीं? तीसरा नंबर पर। और वो जेजेपी वाला? जेजेपी वाला तो बेरा ही निकल रहा है ही नहीं कहीं। जमानत जब्त है जी। हैं? जेजेपी की यहाँ से जमानत जब्त है। आ गया, आ गया। क्या कर? जेजेपी की जमानत जब्त है जी। अच्छा, उसे सिटिंग है अमरजीत? नहीं नहीं जी, कुछ काम नहीं किया जी। आप सड़क देख लो जेजेपी का। हाँ जी, कोई विकास नहीं, एक ईंट नहीं लगाई जी उसने 5 साल के भीतर, एक ईंट नहीं लगाई जी। हाँ, जेजेपी का तो जब जनाधार खत्म हो गया था जी, जब हमने उसे एंटी वोट दी थी बीजेपी के खिलाफ, जब वो बीजेपी में चले गया था, हमने तो उसी टाइम से जेजेपी की गांठ मार ली थी, आइंदा हम इसको हरियाणा में नहीं। ये जो बोल रहे हैं बहुत अहम है। पिछली बार जेजेपी यहाँ जीती इसलिए अमरजीत ढांडा, क्योंकि पूरा जो जाट और किसान थे वो सब बीजेपी से नाराज लोग, वो एकमुश शिफ्ट हो गए जेजेपी की तरफ, तो लोक दल भी उखड़ गया, कांग्रेस भी उखड़ गई, और अमरजीत ढांडा जीत गए। और जेजेपी के जो 10 विधायक जीते उनमें से 7 छोड़कर चले गए, जो 3 बचे उसमें माँ, मतलब दुष्यंत की माँ नैना चौटाला, दुष्यंत और एक यहाँ के अमरजीत ढांडा। 5 साल हो गए जी, अभी तक हमारे को वो दिन याद है जब दुष्यंत चौटाला हम एंटी बीजेपी में गए थे और फिर वो बीजेपी में जा घुसा, तो आज भी वो दर्द हमारे दिल में है। वो अब मौका आ गया हमारे लिए, हम उसका बदला लेंगे। जाट हैं आप? देखो जी, ये मत पूछा करो जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप 85,000 जाट है। लोग यही कह रहे हैं कि जाट वोट अगर थोड़े लाठर की तरफ गया, थोड़े बट गया तो कुछ नहीं जी। जाट अब की बार सियाना हो चुका है, 99% विनेश फोगाट के साथ है। जाट बिरादरी सारी दुलाना की 99% है जी। हाँ हाँ जी, बोलिए। क्या नाम है आपका? जसवंत नाम है। क्या करते हैं आप? दुकानदार। कहाँ दुकान है आपकी? मेरी दुकान जुड़ा रोड पे जी। हैं? 80 रोड पे जुड़ा। तो यहाँ क्या कर रहे हो इसमें? विनेश के साथ? विनेश के साथ है जी। तब तो जब साथ ही हो तब तो इनसे मैं इसलिए दुकान वाले अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं इसलिए जो यहाँ जिनकी दुकानें हैं बाजार में उनसे बात कर रहा हूँ। किसको जिता के भेजना चाह रहे हो इस बार? विनेश के गांव के सरपंच होंगे बख्ता खेड़ा। अच्छा, विनेश के गांव के सरपंच बख्ता खेड़ा के? हाँ जी। उनके ससुराल के? हाँ जी। अच्छा जी, ये देखिए महिला सरपंच, आइए जरा इधर आइए, इधर आइए जरा। क्या नाम है आपका? पूनम रानी। पूनम जी, ये बताओ, अभी 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला यहाँ आए थे और उन्होंने कोई बयान दे दिया कि वो तो अपना गोत्र भी सही नहीं लगाती है, वो तो देश की बेटी, कांग्रेस की बेटी हो गई, नौकरी छोड़वा दिया। एक मिनट सर जी, बेटी 36 बिरादरी की होती है, बेटी कोई स्पेशल जात की नहीं होती। हाँ, बेटी सारे समाज की एक होती है। उनका कहने से क्या होता, वो तो उनको पता नहीं उनका बेटी नहीं होगी ना, पीर का लगाती ना। तो इस बार यहाँ जो है विनेश की टक्कर किससे है? किसी से भी नहीं, अकेली अकेली शेरनी हमारी है, हमारी शेरनी है, वो किसकी टक्कर में कोई भी नहीं है। एक मिनट, जब महिलाओं से बात कर, मतलब जो लाठर से सुरेन लाठर से टक्कर है, बीजेपी से टक्कर है, किससे है? किसी से भी नहीं सर। लोग कह रहे हैं कुछ जाट वोट बटेगा लाठर की तरफ या और? एक तरफा है। चलो बहरहाल, ये महिला सरपंच उनके ससुराल वाले गाँव के, ये 3 दुकानदार, इनसे बात करके खत्म करेंगे, बहुत गर्मी लग रही है। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप जी। संदीप जी, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। तो हम तो सीधा सवाल बाहर से आए दिल्ली से जी, कि जुलाना से इस बार आप लोग किसको जिता के भेजना चाह रहे हो? जुलाना को तो जी देखो अभी टक्कर है। हाँ, किसमें? किसमें? फोगाट में और इसमें फूलवाड़े में कांग्रेस। अच्छा, तो सुरेन लाठर नहीं है कैसी? हाँ जी, सुरेंद्र लाठर भी टक्कर में है, 3 पार्टी हैं। अच्छा, तो उसमें आगे कौन चल रहा है अभी? आगे जी हम क्या बताएं जी, वो 8 तारीख को बता। अच्छा, आप किसको जिता के भेजना चाहते हैं? हम तो जी फूल वाले को जिता के भेज। फूल वाले को क्यों, ये बता दो। बस जी साथ होंगे फूल वाले को जिता के भेजना चाहते हैं। आप किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? आप किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? किसको जिता के भेजना चाह रहे हो जुलाना से? अभी तो सोचेंगे, अभी कोई सोचेंगे, सोचा नहीं। टक्कर किसमें है? दोनों में है। दोनों मतलब कांग्रेस और बीजेपी में? कांग्रेस। और आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? फूल को जी। फूल को, तो ये फूल वाले समर्थक बीजेपी के समर्थक ये मिले, हालांकि हैं बहुत टक्कर है अभी, टाइम है, फिर बदल हो जाएगा। और फिर बदल होगा, अभी तो बहुत बड़ा होगा। ओके, चलेगा। किसको जिता के भेजना चाह रहे हो?
अभी टक्कर है, वैसे जो समीकरण बना हुआ है हमारे हिसाब से बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। देखो इस रोड पे यहाँ से यहाँ मैं आया लगभग 1 किलोमीटर पैदल, तो उसमें मुझे लगता है मुश्किल से अब 4-5 आप यहाँ मिले और 2 उधर मिले होंगे, तो इस रोड पे तो 7-8 लोग मिले मुझे, और मैंने इसी वीडियो में लगता है 25-30 लोगों से बात की, तो कुछ गड़बड़ तो बीजेपी का ज़रूर है। गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं है, साइलेंस वोट है बीजेपी का, साइलेंस वोट है, कांग्रेस का खुला वोट है। ओके चलो, तो ये भी एक बात हो सकती है कि कांग्रेस का खुला वोट है उनके हिसाब से, बीजेपी का साइलेंट वोट है। आ गया ये, आ गया है, बहुत गर्मी है। ये देखिए बलदेव राज जी हैं, 4 लोग यहाँ हैं। बलदेव राज जी किनका नाम है जिनके नाम पे दुकान है आपका? वो आपकी ओर दिखा रहे हैं, आप उनकी ओर दिखा रहे हैं? अच्छा आपके पिताजी हैं, तो बलदेव राज जी कौन हुए? वो हुए, तो आप ही के नाम पे दुकान है। आपका क्या नाम है? राजेश जी। राजेश जी, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस बार यहाँ क्या लग रहा है, टक्कर है क्या है? बैठ जाऊँ खाट पे? हाँ, बैठे, बैठे। नई खाट है बिल्कुल एकदम। यहाँ कांग्रेस का बड़ा ही अच्छा बना हुआ है रौनक, और पूरी मतलब है सारी मंडी और बाजार में माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब अच्छा। आप बताओ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या लग रहा है? यह जी कांग्रेस का दौर है। हाँ। सब पहले भी आए थे, वो कांग्रेस का सब सारी मंडी कांग्रेस की है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का। तो ये बताओ, लोग कह रहे हैं, मैं तो इसलिए आया क्योंकि लोग बाहर कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि सुरेंद्र लाठर के आने के बाद से जाट वोट कुछ बढ़ जाएगा और विनेश को मुश्किल हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो ये लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि मान लो जाट वोट बढ़ गया तो विनेश फंस सकती है, मुश्किल हो सकती है, तो फिर बीजेपी पता चला निकल जाएगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाट कुछ भी कैसा ही हो, कांग्रेस को से कोई नीचे नहीं जाएगा, सब बराबर है कांग्रेस। तो बीजेपी मतलब अगर देखे तो जाट वोट कितना परसेंट लगता है आपको विनेश से अलग हो सकता है? यहाँ जाट बहुत ज्यादा है, 50% से ज्यादा लगभग। वैसे दिखने में तो ज्यादा लगते हैं, बाकी नीचे नीचे वोट सब आएगा। हाँ, सब वोट आएगा नीचे नीचे विनेश को। तो सिर्फ इसलिए पहलवान है और गाँव की बहू है, बेटी है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए पहले बताओ, 2 चुनाव में किसको वोट दिया था आपने? पीछे 2 चुनाव में पहले दिया था कांग्रेस को दिया था मैंने, लेकिन अभी तो 3 बार से कांग्रेस जीती नहीं। यहाँ कोई बात नहीं, हम तो वोट वही उसी शायद देंगे, चाहे जीतो या हारो। ओके चलो, तो ये पुराने कांग्रेसी भी हैं। चलिए आगे चलते हैं और ख़त्म करते हैं, वैसे काफ़ी लंबी बात हो गई। आइए हमारे सहयोगियों को, आ जाओ आ जाओ, जरा आपसे भी बात कर लें। 2 लोग, क्या नाम है दुकान का? बालाजी। बालाजी किनका नाम है? बालाजी भगवान के नाम पे? बिल्कुल भगवान के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे। किसको इस बार, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार जी। किसको विनोद जी यहाँ से जीता? भाई साहब विनेश फोगाट जीतेगी। विनेश फोगाट, हाँ, एक तरफा। क्यों एक तरफा? भाई साहब पहलवान है, देश का नाम रोशन कर रखा है, बहुत बढ़िया है, और हम तो अपने इसके साथ हैं बिल्कुल। और टक्कर किससे है विनेश फोगाट की? टक्कर तो जी एक तरफा ही माहौल है जी बिल्कुल। हाँ, अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करूँ। उधर से विनेश फोगाट का काफिला भी रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या नाम है भाई साहब आपके दुकान में? आ जाऊं? हाँ जी आ जाओ। मेरा नाम अजीत अजनू है, मैं दिल्ली से आया हूँ। श्याम सुंदर नाम है जी अपना। श्याम सुंदर जी, तो ये साड़ी की बड़ी दुकान है आपकी, तो कब से है ये? ये हमारे दादा के टाइम की। पुश्तैनी है? पुश्तैनी है जी। और यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। तो इस बार जुलाना में क्या लग रहा है आपकी? बार जुलाना में कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस लग रही है? हाँ जी। क्यों ऐसा लग रहा है? कांग्रेस का रुझान ज़्यादा हो गया, जबकि बार बीजेपी का रुझान कम हो गया। अच्छा, आप लोग पहले किसको वोट दिए थे? कांग्रेस को। अच्छा, आप कांग्रेस को पहले भी दिया? हाँ। और जब INLD और JJP जीती तब? हमारे कई पीढ़ियों से कांग्रेस चली हुई है। अच्छा, पीढ़ियों से कांग्रेस ही हो? हाँ जी। चलो ठीक है, आप किसको यहाँ से जिताना चाहते हो? हम भी इसको जिताना चाहूँगा, कांग्रेस को। कांग्रेस को जिताना चाहूँगे। आइए 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 आइए। अभी 3-4 लोग देखिए युवा है। क्या नाम है आपका? संयम। ये दुकान आपका है? हाँ जी। आपकी है? हाँ जी। संयम, कहाँ तक पढ़ाई की संयम आपने? हमने बीटेक किया जी। बीटेक किया, ये आपके फादर हैं? आइए इधर जरा आप। पिता पुत्र मिल गए, दुकान इनकी है। किस चीज़ की? साड़ी की दुकान है? साड़ी है, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान है। तो पहले बेटा से इससे, तो संयम ये बताओ, आप तो युवा भी हो, चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? चुनाव में मुद्दे बहुत हैं, एक तो ये। हाँ जी, क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। विकास का, हाँ। जुलाना में विकास का मुद्दा है जी, रोड वोड सब टूटे रहते हैं। हाँ। और यहाँ पे बस ये मुद्दा है विकास। तो किसको जिता के इस बार भेजना चाह रहे हो? वो तो जी देखो रिजल्ट बताएं। अरे आप किसको भेजना चाह रहे हो बोलो? हम तो
अरे भाई किसको जीता के भेजना चाह रहे हो ये पूछ रहा हूँ। किसी को तो जिताएंगे तो पता है, लेकिन किसको? ये जो आ रही है इधर से जिता देंगे इसको? नहीं जिता देंगे नहीं, मतलब किसको? दिमाग में कोई और है वो बोलो, उसमें हम समझेंगे। माता जी से जरा बात करते हैं, यहाँ से माता जी किसको जिता के भेजना चाह रहे चुनाव में? इसे ना भेज देंगे। इसी को भेज देंगे? किसको? विनेश को या कोई और? ना दिनेश को। चलो लेकिन ये खुल के बोल नहीं रहे हो, खुल के बोल नहीं रहे हो। नहीं बोल दिया जी। चलो आ जाओ आ जाओ, अब खत्म करेंगे, बहुत गर्मी है, इनका काफिला आ गया, आ जाओ। आ जाओ। अब ये एक तो उमस और ह्यूमिड है, और उसमें ऐसे चलते चलते 1 किलोमीटर तक लगभग मैं आ गया, और इसलिए मैंने बाहर जो दोनों तरफ दुकानें हैं या जो खड़े लोग हैं दुकानों के बाहर, उनसे बात की ताकि वो सैम्पलिंग हो कि ऐसा नहीं है कि सब विनेश के काफिले के लोग हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। और ये पूरी भीड़ है जो उनके साथ चल रही है इस बाज़ार में, जो जुलाना का मुख्य बाज़ार है। अब ये तस्वीर करण उधर की दिखाइए। नमस्कार। ठीक हो जी सर। तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल है कि क्या है? अरे सर मुश्किल नहीं, गड़गड़ा उठा देंगे, गड़गड़ा टूंडा उठेगा अपने देसी भाषा में। ये लगा लो 50,000 से जीतेगी। अरे 50,000 थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोस्त के साथ जिताएंगे। चलो ठीक ठीक है, अब हम लोग चलते, आइए चलिए आप लोग चलिए चलिए उनके साथ काफिले में, हम भी निकलते हैं अब गांव की तरफ। हम किसी गांव की तरफ चलेंगे ताकि गांव में जो इस भीड़ से बाहर जो आम लोग हैं, आम किसान हैं, गांव के जो आम वोटर हैं, जरा उनसे बात करें। तो फिलहाल जुलाना के इस मार्केट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत गर्मी, बहुत उमस, पसीने से पूरा लथपथ, और क्या होता है बहुत पसीना चलता है मुझे। तो क्या हुआ कि मुझे कई दर्शक भी कहते हैं कि आप डार्क कलर पहना करो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू और ब्लैक इस चक्कर में पहनता हूँ ताकि थोड़ा पसीना कम दिखे, लेकिन गर्मी तो है। और मैं ज़रा इसको नमस्कार कर लूँ, ये शो ख़त्म करूँ, ये भी नमस्कार कर रहे हैं, हमारा भी नमस्कार है, और ये चुनाव में कवरेज का सिलसिला जारी रहेगा। राम राम है और नमस्कार।